हे व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज सुनील पटेल फ्रॉम सुनील द आईटी गाय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल जावा इन योर सिस्टम। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये जावा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड जावा फॉर डेवलपर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको JDK फाइल इंस्टॉल करना है, तो यहाँ JDK डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको JDK फाइल इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको सिस्टम पूछा जाएगा। तो मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज सिलेक्ट करूंगा, अगर आपका मैक है तो मैक कीजिए, लिनक्स है तो लिनक्स कीजिए। और यहाँ पे आपको दोनों फाइल डाउनलोड करना है, .exe और .zip फाइल। तो डाउनलोड करने के लिए पहले आपको सिस्टम कितने बिट का है, मेरा 64 बिट का है तो मैं 64 बिट का डाउनलोड करूँगा। अगर आपको नहीं पता आपका सिस्टम कितने बिट का है तो आप सीधा कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको सिस्टम सिक्योरिटी में जाना है। सिस्टम सिक्योरिटी के बाद सिस्टम पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपको दिखाई देगा 64 बिट का मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे .exe और .zip फाइल डाउनलोड करूँगा। उसके पहले आपको एक्सेप्ट द लाइसेंस करना है दोनों में, तब जाके आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं exe फाइल डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ zip फाइल डाउनलोड कर देता हूँ। बट मैंने यहाँ पे दोनों ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया, तो मैं ये डाउनलोड नहीं करूँगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जावा फोल्डर में जाना है और jdk.exe फाइल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। Necesito su permiso para continuar. तो यहाँ पे मैं यस करूँगा। तो यहाँ आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और ये आप देख लो पाथ, और यहाँ पे वापस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपका जावा इंस्टॉल हो गया है, तो क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जावा इंस्टॉल करने के बाद आपको सी फोल्डर में जाना है, मतलब सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल में जाना है। यहाँ पे आपको जावा के फोल्डर में जाना है। यहाँ आपको JD के फोल्डर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद बीन फोल्डर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके ये पाथ को कॉपी करना है, फिर आप कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सिस्टम सिक्योरिटी में जाना है। सिस्टम सिक्योरिटी के बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल पर जाना है। यहाँ आपको न्यू पे क्लिक करके यहाँ आपको पाथ लिखना है,
और यहाँ पे आपने जो लिंक कॉपी किया था जो बात वहाँ यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ भी ओके कीजिए। सीएमडी प्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको सीएमडी प्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सीडी डॉट डॉट है और यहाँ पे आपको आपका जावा सी, यहाँ पे जावा सी टाइप करना है। उसके बाद आपको पता चला, देखो ये हमारा जावा डाउनलोड हो गया है। और अभी आपको देख तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमने कौन सा जावा वर्जन डाउनलोड किया है। तो आपको यहाँ पे जावा स्पेस हाइफन वर्जन लिखना है और एंटर करना है। तो आपको दिखा देगा जावा वर्जन 1.8 डाउनलोड किया है।